वाओ, कितना अच्छा स्टंट है। क्या स्ट्रेचिंग है। छोटा है पर पटाखा है। हम एक काम करते हैं। क्या? हम भी डांस करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो डांस करते हैं। चलो 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 चलो। छोरा कांडा थयो, तू नथी तो तारो फोटो पर चलते। करना है तो सब अपने अपने घर जाकर डांस करो, यहाँ नहीं। इस घर को डीआईडी का फ्लोर बना रखा है। चलो मैं कहती हूँ चलो जाओ यहाँ से, निकलो। निकलो कहती हूँ, निकलो ना। ओके चिल आंटी चिल, जाते जाते। अरे निकलो जाओ यहाँ से। अरे चलो 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 भाई। आंटी चील आंटी, अभी बताती हूँ चील आंटी, जाओ। अरे निकलो जाओ यहाँ से। गगा, अरे ओ गगा, कहाँ मर गया ये गगा। आया मैडम। चरर चरर मारू चक डोल चाले, चरर चरर मारू चक डोल चाले। हाँ मैडम बोलो, क्या काम है। ये सब बच्चे अंदर कैसे आ गए। वो क्या है कि दरवाजा खुला था ना, तो बच्चे आ गए। शट अप, आप से ये बच्चे अंदर नहीं आने चाहिए, समझा। जी मैडम, मैं जाता हूँ मैडम। चरर चरर मारू चक डोल चाले, चरर चरर मारू चक डोल। डियर मैं एक बात कहूँ। एक क्यों, दो बात कहो, कहने में क्या है, करना तो मुझे है। नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने बेटे भोलू को सिर्फ डांस कराना है। डांस? हाँ, अगर हम भी अपने बेटे को डीआईडी में भेजे तो। डीआईडी में? अरे पर क्यों। हमारा नाम रोशन करेगा है, हमें सब लोग पहचानेंगे है, और मेरी तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी तो कमाएंगे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर उसकी स्कूल। देखो पहले ऑडिशन होंगे। हाँ फिर अपना भोलू सिलेक्ट भी हो जाएगा है ना, फिर तो सिर्फ 4 महीने की तो बात है, है? और स्कूल वालों को देख लेंगे, अरे भाई उनका भी तो नाम आएगा आगे है? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ सही कहा है। पर मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे उसकी मर्जी पूछ लेती हूँ। उसकी मर्जी? अरे अभी तो वो छोटा बच्चा है, है? हमें तो उसको डांस में इंटरेस्ट आए ऐसा कुछ करना है, और उसको डांस क्लासेस में भेजना है। डांस क्लासेस में भेजना है वो तो सही है, पर वो डांस करेगा, ट्यूशन करेगा, होमवर्क करेगा, क्या क्या करेगा, वो थक जाएगा ना। देखो डियर थोड़े दिनों की तो बात है, हम भी उसके साथ रहेंगे ना, एक बार वो फेम हो गया तो बस सब ठीक हो जाएगा।
हाँ हाँ रहेंगे भाई रहेंगे। बस फिर तो अपनी तो निकल पड़ेगी। ठीक है ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, जब मेहनत करनी पड़ेगी तब पता चलेगा। चरर चरर मारू चक डोल चाले, चरर चरर मारू चक डोल चाले, चाकर चूची। साहब साहब मैं भी है ना DID में जाना चाहता हूँ। DID और तू? अबे गगा इधर तो आ बेटा। हाँ आजा। देखो मैं भी स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ। ये देखो साह, ये देखो ये। अरे बहुत बुरा हुआ गगा, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अबे तेरा चड्डा फट गया। ज्यादा स्ट्रेचिंग मत कर। समझा? जा जा। तुम कितनी अच्छी हो डियर। मम्मी का भी DID होता है, तुम भी पार्टिसिपेट कर लेना। शट अप। अरे आप कौन आया? दया दरवाजा तोड़ दो। ओ बाप रे, मेरी तो कमर टूट गई सर। दया दया क्या हुआ? दया सर दरवाजा अंदर से खुला था। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, समझे? दरवाजा बाहर से खुला था। हाँ सर। नाम क्या है तेरा? गोलू। मैं है ना इस घर का नौकर हूँ। ये हाथ में क्या है? बॉटल। वो है ना पानी की बॉटल है। लाओ पानी पिलाओ। सर मुझे लगता है कि इस गोलू में कोई प्रॉब्लम है। हाँ दया, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है गोलू को घूमने में कुछ गड़बड़ है। हाँ दया कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अरे दया ये क्या कर रहे हो? ओह सॉरी सर। अरे अरे आप लोग कौन हो और इस भेष में क्यों? कौन हो? अरे भाई बोलो तो सही, कौन हो? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। CID सीरियल का टाइम हो गया है, CID शुरू करो। चैनल बदलो, जी से सोनी लगाओ। जल्दी करो। हाँ हाँ लगाती हूँ। ये ले लेती हूँ। नहीं कोई चालाकी नहीं, ये तो मैं मोबाइल ऐसे ही ले रही थी। भागना नहीं, CID शुरू करो। हाँ हाँ करती हूँ। ये लो हो गया। ठीक है अब कोई नहीं बोलेगा, उस तरफ देखो। साहब साहब अरे डार्लिंग कौन आया है, तुम इतनी शान क्यों हो? अरे मेरी रेडियो मिर्ची अभी बंद क्यों हो गई हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे ये क्या हू लगा रखी है? ये कौन? CID ऑफिसर। वो क्या होता है? अच्छा वो बैठा है वो। ये CID ऑफिसर्स आए हैं। कौन CID? हाँ मैं तुम्हारा पड़ोसी पोपट हूँ। ए पोपट। पोपट सेटअप। एक्सक्यूज मी सर, आप CID ऑफिसर प्रद्युमन है, जरा ध्यान रखिए। हाँ 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 मैं ACP प्रद्युमन, ये दया, ये अभिजीत, ये सपना और ये फ्रेंडी है। अरे पर अभी तो आपने पोपटलाल कहा।
कहा, पर हम सीआईडी ऑफिसर ही है। हाँ हाँ पता है कि आप सब सीआईडी ऑफिसर्स हो, पर पहले बोलना था ना कि पोपट लाल जी आप ही प्रद्युमन जी हैं। कम से कम मैं घबराती तो नहीं। अरे भाई अच्छा हुआ नहीं कहा, इतनी देर शांति तो मिली। क्या कहा? अरे कुछ नहीं डार्लिंग, ये पड़ोसी आए हैं ना, उनके लिए पानी लेकर आओ और अपने भोलू से दो बातें करती आओ। हाँ हाँ लाती हूँ, जाती हूँ। पोपट भाई आप सब इस स्ट्रेस में कैसे? वो क्या है, सोनी टीवी पर पूरे दिन सीआईडी आता है और हमारे बच्चे हैं कि पूरे दिन सीआईडी देखते रहते हैं। अगर आप चैनल बदलते हैं तो भी नहीं बदलने देते, इसलिए मजबूरन हमें भी वही देखना पड़ता है। क्या है कि वो सारे कैरेक्टर हम पर सवार हो गए हैं, अब हम सीआईडी सीरियल उन्हीं कॉस्ट्यूम में देखते हैं। ठीक है पर आप लोग हमारे घर में क्यों? वो क्या है, हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हुई और लाइट चली गई, वो भी सीआईडी के समय। अब हमें इस सीरियल का एडिक्शन है, हम इस सीरियल का एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ और हमें पता चला है कि यहाँ पर एक बच्चा खतरे में है। इसका मतलब खतरे में बच्चा है सर? बिल्कुल ठीक सर, बच्चा डेंजर में है। मुझे लगता है खतरे में बच्चा है। क्या सर? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे अरे भाई नहीं नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। पापा पापा मुझे डीआईडी वीआईडी में नहीं जाना है। क्यों बेटे बोलू, क्या हुआ बेटा? पापा मैं थक जाऊंगा ना, स्कूल ट्यूशन होमवर्क प्रोजेक्ट वर्क पेंडिंग वर्क और एवरी वीक टेस्ट न जाने क्या क्या, और ऊपर से आपका ये डीआईडी डांस क्लास, मुझे नहीं जाना डीआईडी वीआईडी में। बेटा आजा इधर, तुम डीआईडी में बच्चों को देखते नहीं हो, कितना अच्छा डांस करते हैं, तुम भी कर लोगे है कि नहीं, फिर हम फेमस हो जाएंगे है? बहुत पैसे मिलेंगे है? जल से करेंगे, स्ट्रगल तो होती रहती है जीवन में, डरना क्या है इसमें बेटा। मेरा खेलना टीवी देखना सब बंद हो जाएगा पापा, प्लीज मुझे डीआईडी में नहीं जाना। बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, है? ये तुम्हारी मम्मी रेडियो मिर्ची भी हमारे साथ होगी, मजा आ जाएगा है? प्रॉब्लम तो है, बच्चा खतरे में है। हाँ दया हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे क्या कुछ तो गड़बड़ है। ए पोपट भाई, प्रॉब्लम बच्चा खतरे में क्या लगा रखा है, हैं? आप पड़ोस